चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर। कल आई होप सब लोग ने अपना होमवर्क कर लिया होगा, जम के बना रहे होंगे और सारे लगभग बच्चे आंसर दे ही रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको कल मैंने कल एक दिन क्लोज लिया, आज सक्सेसिव रिमाइंडर स्टार्ट करने वाले हैं। सक्सेसिव रिमाइंडर रिमाइंडर का ही कुछ पार्ट है जो अच्छा एग्जाम में पूछता रहता है, रेलवे एसएससी में ही आता है क्वेश्चन को। तो आज देखिए, सब जब मैंने छोटा छोटा टॉपिक ले लिया है तो पूरे कर देता हूँ। सक्सेसिव रिमाइंडर देखिए, समझिए सक्सेसिव रिमाइंडर क्या होता है। सक्सेसिव रिमाइंडर जैसे एक बात है, यहाँ पे जरा सा समझना है। जैसे कहता है कि मान लीजिए 2, 3, 4 से कोई नंबर में भाग करना है, 2, 3, 4 से कोई संख्या कोई नंबर में भाग करना है, तो हमारा रिमाइंडर 1, 2 और 3 आता है। ठीक है, हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 1, 2, 3 आता है, ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, अब क्या कहता है, समझना है कि सक्सेसिव रिमाइंडर कहते किसको है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 2 से कोई नंबर में भाग किया होगा तो कुछ तो भागफल आया होगा, मान लीजिए भागफल ए आया होगा, उसका शेषफल कितना बचा, 1। फिर इस नंबर का भागफल ए है, इस नंबर का भागफल अगले नंबर के लिए भाज का काम करता है। जैसे इस 3 को मैं ए से भाग करूंगा तो अब अगले भागफल भी कुछ आएगा, शेषफल बचता है 2। अब देखिए इसका भागफल कितना है, इसका कोसेंट कितना है अभी। अब ये जो कोसेंट बनेगा, ये 4 से भाग करने पर वो ये क्या होता है कि पिछले नंबर, जैसे क्या हुआ कि इसका कोसेंट अगले नंबर के लिए डिविडेंड का काम करता है। अब इसका कोसेंट अगले नंबर के डिविडेंड का काम करेगा, हिंदी में बोल देता हूँ, इसका जो भागफल अगले नंबर के लिए भाज का काम करता है और इसका भागफल अगले नंबर के लिए भाज का काम करता है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 4 से भागा करेंगे बी में और हमारा इसका कुछ शेषफल आएगा, भागफल आएगा और शेषफल कितना गया, 3। ठीक है, तो पहले मैं इसको क्या करता हूँ कि पहले आपको मैं डिटेल से समझा देता हूँ कि कैसे बनता है, क्यों बनता है, फिर आपको मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा। तो जैसे देखिए क्या है बाबलो, सबसे पहले आप अगर मान लिया जाए, आपने पढ़ रखा होगा कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, आपने पढ़ रखा होगा भाज बराबर, नहीं लिखते हैं बोल नहीं देता हूँ, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो यहाँ से देखिए बी बराबर अगर निकालिएगा, भाज बराबर भाजक गुने भागफल यानी प्लस आपका शेष। अगर ए निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 3b प्लस आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे n निकालेंगे तो हमारा 2a प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस b का पूरा मान इसमें रखते हैं, यानी a बराबर क्या होगा, 3 × 4c प्लस आपका 3 प्लस आपका 2 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, 4 × 3 = 12 और आपका 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9 और 2 × 11, यानी हम कह सकते हैं 12c प्लस आपका क्या होगा, 11। अब हमको इसमें पुट करना है, ठीक है, a का मान क्या हो गया, a का मान अब हमें इसमें पुट करना है, a का मान इसमें पुट करना है। तो a का मान जरा सा इसमें पुट कर दीजिए, देखिए क्या होता है। तो a का मान इसमें अगर आप पुट करिएगा, 2 × आपका क्या होगा, 12c प्लस 11 प्लस आपका 1। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 12 × 2 = 24, 22 × 1 = 23, यानी 24c प्लस आपका 23, यानी मैं लिख देता हूँ यहाँ n की वैल्यू कितना आ चुका है आपका, 24c प्लस आपका 23 आ चुका है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया 24c प्लस आपका 23, क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये मान हो गया, तो न्यूनतम मान होने के लिए क्या करेंगे, c का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर होगा 24 + 23 आपका हो जाएगा 47 हो जाएगा। ठीक है, 24 + 23 कितना हो जाएगा, 47। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है ना कि आपको मैं एक समझाता हूँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वो कैसे बनता है डिटेल में वो आपको मैं समझाया। अब आपको समझाता हूँ इसका शॉर्टकट मेथड समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, शॉर्टकट मेथड समझाता हूँ। तो पहला नंबर तो ये आप समझो क्या है, सबसे पहले ये समझ लो आप, देखिए इतना करने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको बेसिक आता है तो थोड़ा सा ये आप काम कर सकते हो, सवाल समझ सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे एक चीज बात बता देता हूँ आपको, यहाँ पे क्या समझाता हूँ कि जरा सा देखना है कि इसको शॉर्टकट मेथड क्या होता है। सबसे पहले डिवीजन का डिफिनीशन बताता हूँ, भाग का डिफिनीशन, परिभाषा जिसको बोलते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात कहूँ कि जैसे मैं एक नंबर लिया, 30 लिया और 5 से भाग किया,
तो मैं ये कहूंगा ना कि 6 बार लगा तब तो 0, यानी भागफल पूछाएगा तब तो भाग हुआ, भागफल आएगा तब तो भाग हुआ। अब क्या है कि जैसे मैं आपको 3 से 5 में भाग करूंगा तो आप कहेंगे भागफल 0, यहाँ पे शेषफल 3 आ जाएगा। यानी क्या भागफल पूछाया तो इसको हम भाग नहीं बोलेंगे, क्लियर है। तो भाग उसको बोलते हैं डिवाइडेड बाय, जो इसको इंग्लिश में लिखा जाता है भाग दिया जाता है, ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ भागफल आना चाहिए, तभी हमारा भाग का डिफिनेशन सही होता है। कोई नंबर कितने बार उसमें आया तब वो भाग का परिभाषा सही होता है। तो जरा सा देखिए, अब इसी चीज को मैं डिटेल मेथड में बताऊँ, शॉर्टकट में बताता हूँ कि कैसे बनना है। तो आपके नंबर थे 2, 3 और 4 था, 2, 3, 4 था, शेषफल कितना आया था, शेषफल आपका आया था 1, 2 और 3 आया। तो क्या करना है बाबू n निकालने के लिए, आपको क्या करना है जो समझना है, n निकालने क्या करना है। सबसे पहले आप n निकालने क्या करोगे, जो मैट्रिक बताता हूँ। तो अगर सीधा चलेंगे तो जोड़ देंगे, ध्यान से समझना, और क्रॉस चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ओके, तो जरा सा देखिए क्या होगा। सबसे पहले ऐसे करिए, 4, 3, 7 हो गया 7, फिर गुना कर दिए 7 या 21 आए भाजी, 7 या 21, फिर 21 में 2 जुटेगा तो कितना आ जाएगा, 21 से 2 23 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से 4, 3, 7, 7 या 21 क्रॉस में गुना करेंगे, 7 या 21, फिर इधर आएगा जुटेगा 21 से 2 23, फिर जाएगा 23 दूना 46 1 47, 47 हमारा उत्तर हो गया। आई होप समझ में आ गया। दोबारा लेते हैं एग्जाम्पल को, दोबारा देखिए समझिए जरा सा, चलिए जल्दी करना है। जैसे देखिए 3, 4, 5, 6 से भाग दिया, 2, 3, 4 और 5 शेषफल आता है। 3, 4, 5 से एक संख्या को लगातार 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करते हैं तो शेषफल 2, 3, 4, 5 आता है। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सक्सेसिवली 3, 4, 5 और 6 then it gives remainder 2, 3, 4 and 5 respectively, then find the least number, then find the least number। तो आपको क्या करना है, पहले मैंने बताया था ऐसे सीधा चलेंगे तो ऐड होगा और क्रॉस चलेंगे तो गुना होगा। तो 6, 5, 11 ठीक है, 6, 5, 11 11, 5, 55 55, 4 कितना होगा, 59 ये आ गया 59 यानी जोड़ेंगे 236 59 और into 4 236 236 और 3 239, फिर हमको इसको गुना करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा आपका, यानी आपका आ जाएगा इन बराबर आप गुना कर देंगे, क्रॉस गुना हो जाएगा, यानी 9 3 27 बाकी 2 27 2 23 69 69 और 2 69 और 2 71 71 और फिर 2 जोड़ेंगे तो 700 क्या आ जाएगा हमारा, 19 आ जाएगा। ओके क्लियर है। तो आपको कैलकुलेशन समझ में, अगर कैलकुलेशन का मिस्टेक हो जाए कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होगा, थोड़ा सा देख लेना। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ क्या करेंगे, 6, 5, 11 11, 55, 4, 59 59 गुना 4, 236 236 और 3, 239 239 गुना 3 आप यहाँ पे करेंगे 239 यानी हो जाएगा 690 और 27 ठीक है, 927 के साथ बाकी 23 69 71 71 ठीक है, बाकी जोड़ दिया हमारा आ गया। तो आपको शायद होप समझ में आ गया होगा। अब मैं छोटा छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो समझिए जरा सा, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, तो आपको मैंने क्वेश्चन लिया है और वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। आई होप वीडियो पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा और आंसर मिला लीजिए, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सारे बच्चे को आपको यहाँ पे दिया, तो देखिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ क्वेश्चन को। कहता जब एक संख्या को लगातार 3, 4 और 7 से भाग दिया जाता है, जब एक संख्या को लगातार 3, 4 और 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 1 और 4 बचता है। तो शेषफल क्रमशः 2, 1 और 4 बचता है। जब इस संख्या को 84 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, जब इस संख्या को 84 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, तो देखिए अब आपको समझना,
आपको ऐसे कुछ बच्चे को अगर नहीं पकड़ में आता है, कुछ ऐसा ही झगड़ा एलसीएम एसएफ में हो जाता है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि इसका सक्सेसिव रिमाइंडर का हिंदी में लिखा रहेगा कर्मागत रूप से कर्म सा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे, ऐसा लिखा रहेगा कर्मागत कर्मागत रूप से कर्म सा, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा तो पकड़ लोगे। ठीक है, कि सक्सेसिवली रिमाइंडर का कर्मागत रूप से कर्म सा। चलिए तो आओ देखते हैं, तो हम लोग क्या दिया हुआ, 3, 4 और 7 है, और डिवाइड करना है छोटू 2, 1 और आपका 4 से। ठीक है, तो देखिए इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ, इस क्वेश्चन को समझना, जरा सा समझना है। देखिए क्या करना, लास्ट में क्या करता है, मुझे 84 से भाग करना है, तो पहले एक नंबर पता करना पड़ेगा। तो नंबर के लिए क्या बताए थे, अगर डाउनवर्ड चलेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, 7 4 11 4 4 44 45 7 4 11 11 44 पहले ऐसे ऐड करेंगे 11 44 ऐड करेंगे 45 45 किया 135 135 सा दो कितना हो जाएगा 137। क्लियर है, क्या जाएगा 137 हो गया, हमारा एन निकल गया, एन हमारा निकल गया। अब कहता है कि 84 से भाग करिएगा तो क्या आएगा 137 में, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं ना, तो 7 4 11 11 44 145 45 135 135 137 137 राइट है, यानी वन टाइम लगेगा, यानी 7 में से 4 देगा 3 13 में से 8 गया 5। क्लियर है बाबू, आ गया होगा समझ में, तो आपसे ये पूछ रहा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे नंबर केवल पूछता ना, अगर आपको नंबर पूछता कि नंबर कितने होंगे, तो 137 से डिवाइड करना, 137 आपका नंबर होगा। क्लियर है, कितना होगा नंबर हमारा 137। लेकिन कभी ऐसा सवाल आए कि लास्ट में ऐसा लिखा रहे कि 84 से भाग करिए, 23 से भाग करिए, 20 से भाग करिए, 50 से भाग करिए, तब आपको लिए मैं एक तरीका और बताता हूँ, ताकि कैलकुलेशन आपको आसान हो जाए। क्या करना है, सबसे पहले जिससे भाग करना उसको लिख लो, फिर उसका शेषफल लिख लो 2, 1 और 4। ठीक है, इसको छोड़ दो, क्यों सब में सब सवाल में ऐसा मत करना, जब आपको ऐसा लिखा रहे कि 84 13 5 ऐसा कुछ से भाग करना हो तब करना। ठीक है, नंबर पूछेगा तो आपको लेके चलना पड़ेगा, तो आप इसको छोड़ दो। देखो 4 4 16 1 17 ओके 17 क्रॉस गुना और ऐसे ऐड करेंगे 4 4 16 1 17 70 51 53 इनके वैल्यू क्या आ गया 53। अब कहता है इस 53 को 84 से भाग करोगे तो रिमाइंडर तो ही आ जाएगा ना जी, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 53। तो अगर आपको ऐसा कोई नंबर लिख दे कि फलाने नंबर से भाग करना, ये नंबर से भाग करना, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको छोड़ देना है, या तो आपकी मर्जी है तो वो भी करो, दोनों से तो आंसर एक ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर दूसरा, और जल्दी से वीडियो पॉज करो, जल्दी से सॉल्व करो। चलो सॉल्व पॉज किया होगा और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा, तो देखिए अब आपको समझाते हैं क्या कहता है। हिंदी में एक बार बोल देते हैं, जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। कहता है कि एक संख्या को जब लगातार 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रम से 1 और 4 आता है, जब संख्या को 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो फिर संख्या पूछ दिया ना जी, तो आप पहले दो, आपको दोनों तरीका बताता हूँ, 4 5 लिख लो, 1 और 4 लिख लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 9 4 36 1 37 हमारा एन कितना निकल चुका 37। अब 20 से भागा करो, इसमें 20 से भागा करोगे क्या आ जाएगा 1, हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 17। अगर आप ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में 20 पूछा है, 20 से भाग करेंगे तो क्या करेंगे, तो बड़ा आसान है। मैंने आपको क्या समझाया कि जो जिससे भाग करना उसको लिख लो और शेषफल उसके सामने लिख दो, कितना 1 और 4 आया, इसको छोड़ दो, छोड़ क्रॉस 4 4 16 1 17 यानी हमारा एन कितना आया 17। अब इस 17 को भाग करना किससे 20 से, तो क्या आएगा 17 से भाग करेंगे 20 से, तो आंसर तो हमारा 17 ही आ जाएगा, भागफल 0 लगेगा भी 0 हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
चलिए दोस्तों, तो वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तब तक मैं हिंदी वाले बच्चे को क्वेश्चन लिखाता हूँ। लिखिए, कहता है, लिखिए, एक संख्या को लगातार 5, 7, 8 से भाग दिया जाता है तो शेष फल क्रमशः 2, 3 और 4 आता है। शेष फल क्रमशः 2, 3 और 4 आता है। यदि इसके विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए, यदि इसके विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 5, 7, 8 से भाग करें, शेषफल कितना आ रहा? 2, 3 और 4 आ रहा। तो नंबर फटाक से निकाल लेंगे, 8, 4, 12, 84, 84, 84, 3, 87, ठीक है, कितना आ गया? 87 यानी 435 87 × 5 = 435 देख लो, कहीं मिस्टेक नहीं ना, सही है। 7 × 5 = 35 और 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 43, बिल्कुल आ गया 437। अब कहता है बच्चा, तो आपसे अगर नंबर पूछता ना कि लिस्ट नंबर क्या है तो 437 हो जाता, लेकिन आपसे कहता है विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए। कहता है पहले 8 से भाग करते, फिर आप 5 कैसे करते, 5 से जैसे ऐसे करना है, 8, 7 और 5 से भाग करिए, तब शेषफल क्या होगा। तो देखिए, नंबर पता करना था मुझे, तो सबसे पहले आप नंबर पता कर लीजिए, 8 से भागा दीजिए 437 में, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 8 × 5 = 40, कितना बचा? 37, 8 × 4 = 32, क्या हो जाएगा बाबू? 5 आ जाएगा। देखिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भागफल, अब इससे भाग होगा, 7 से भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे? 54 में भाग करेंगे, 7 × 7 = 49, यानी कितना हो जाएगा? 14% हो जाएगा, 5 आ जाएगा, क्लियर है। फिर अब फिर 7 भाग होगा किससे? 5 से होगा, 1 टाइम लगेगा, क्या आ जाएगा आपका उत्तर? 2 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आ गया 5, 5, 2। यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा किया जाए, तो हमारा रिमाइंडर होगा, 5, 5 और 2 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसी को दूसरे तरीके से बनाता हूँ। देखिए, दूसरे तरीके से क्या है, आप जरा सा समझिए। देखिए, आपसे अगर छोट नंबर खाली पूछे तो इतना कर दीजिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए नंबर ना पूछने के अलावा, जैसे पिछले क्वेश्चन समझाया, 20 से भागा करिए, 84 से भागा करिए, फिर या तो उसको विभाजकों को क्रम को लड़ दीजिए। जब कभी ऐसे सवाल आए तो आप देखो, आंसर मैं रख देता हूँ, 5, 5, 2 आया है। आंसर क्या आया है? 5, 5, 2 आया। ध्यान से सब देखना, आंसर मेरा क्या आया? 5, 5, 2 आया है ना जी, यही आंसर। तो आपको बच्चे छोटा मेथड में क्या करना है, जरा सा समझिए, छोटा में क्या करना था आपको, जैसे 5, 7, 8 लिखना है और आपको 2, 3, 4 क्या लिख दिया। जब ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आए या पहला क्वेश्चन आए तो क्या करना है, इसको छोड़ दीजिए। देखिए, 7, 28, 28 से 3, 31, 31, 55, 155, 2, 157, आया, आप क्रॉस गुना कर लेना। फिर से सुनिए, जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो आप ऐसे छोड़ दो, यानी 7, 28, 31, 31, 55, 2, 157 आ गया, मैंने पढ़ लिया, ठीक है थोड़ा। अब देखो, अब आपको कहता है इसके विभाजकों के क्रम को लड़ दिया जाए, जो 5, 7, 8 का सीरीज था उसको 8, 7, 5 से करिए। तो लोग करते हैं, भाग करते हैं इसमें, तो भाग करेंगे तो क्या होगा, आपको लग जाएगा 25, 28, 63, 62, 61, 59, 152। देखो, 7 में से 2 गया, 5 आया, फिर अब 19 में भाग करोगे किससे? 7 से भाग करोगे जी, 7 × 2 = 14, फिर 5 आ गया, देखो 5 आ गया ना, फिर अब इस 5 से भाग करोगे, इस 5 से भाग करोगे 2 में, तब भागफल 0 यहाँ पे आ जाएगा, शेषफल कितना आ गया? तो देखो, आ गया हमारा 5, 5, 2, देखो आया कि नहीं, यहाँ पे हमारा कितना आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे आपका कितना आया, यहाँ भी 5 आया और यहाँ पे 2 आ गया, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5, 5, 2 हो जाएगा। चलिए ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए, कर लिया होगा, आंसर मिला लो, हिंदी में लिख लो। एक संख्या को जब
कर्मागत रूप से क्रमशः चार और पांच से भाग दिया जाता है तो शेष फल एक और चार आता है। जब इसके विभाजकों के क्रम पांच और चार से दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? बड़ा आसान है, देखिए जल्दी से नंबर निकालिए, चार पांच, ठीक है, एक और चार, छोटा सा नंबर है, जोड़ दीजिए, पांच चार नौ, नौ चौके छत्तीस, एक सैंतीस निकल गया। अब अगर नंबर पूछता तो आंसर आ जाता, लेकिन कहता नहीं, विभाजकों को क्रम को उल्टा कर दिया है, तो बाबू एक से भागा कितना लगेगा, पांच सत्ते पैंतीस, बचा कितना, दो, काटो काटो काटो, आंसर ये होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर में मुझे कितना मिल गया, दो आ गया। तो कभी भी अगर और बड़े बड़े सवाल आए, ऑप्शन पे नजर लगाए रखना, पूरे करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को, फिर से देखिए आ गया ना दो ही। फिर अब आपके पास ये है कि सात से भाग करेंगे, क्योंकि ये भागफल अगले नंबर के लिए क्या बनता है, भाज का काम करता है, तो चार से भाग करिए इसमें, तो चार से भाग करिएगा कितना बार में लग जाएगा, तो तीन आ गया कि नहीं, देखो उतना करने की जरूरत नहीं है, बना के निकलो। और दोस्तों जरा सर देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अभी ये क्वेश्चन आपको कहीं कोई टेक्स्ट बुक में नहीं, ना तो किसी टीचर का असाइनमेंट में है, आपको मैंने क्वेश्चन पहली बार करवा रहा हूँ क्वेश्चन को, देखिए तो आप जरा सा देख लेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा बढ़िया है, मैं हिंदी में लिखा देता हूँ। कहता एक संख्या को जब पाँच और दो से भाग दिया जाए लगातार तो शेषफल क्रमशः तीन और एक बचता है, तो दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगी। क्लियर है? तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जरा सा क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर मैं इसको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए n कोई नंबर होगा, उसमें 5 से भाग किया होगा तो शेषफल कितना आ रहा है उसका, यहाँ शेषफल 3 आ रहा, भागफल तो कुछ आया होगा। फिर इस भागफल क्या करेंगे, इस भागफल को अगले नंबर से भाग किए होंगे 2 से, तो यहाँ पे कुछ भी कोशेंट आया होगा, बी आया होगा, यहाँ से इस फल कितना आया, एक आया, देखो यहाँ पे एक आया। तो ऐसा करते बाबू, हम लोग भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी ए बराबर हमारा 2b+1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एन बराबर 5a+3, एन बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यहाँ भी वही लिखा है, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब a का मान हम इसमें रख देते हैं, n बराबर a का मान ये पूरा रख दीजिए इसमें, तो 5 × 2b+1+3, आगे सॉल्व करेंगे, 5 × 2 = 10 + 5 = 8, यानी कह सकते हैं 10b+8 हमारा जो नंबर बना बाबू, यहाँ मैं लिख देता हूँ इधर, हमारा n की जो वैल्यू बना है, यानी 10b+ कितना बना है, 8। क्लियर है? हमारा क्या बना है, 10b+8 बना है, तो 10b+8 बना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो समझिएगा, हमें कहता है कि दो अंकों की सबसे बड़ी नंबर चाहिए, तो दो अंकों की सबसे बड़ी नंबर तो 99 होता है बाबू, लेकिन क्या है, नहीं लास्ट में 8 भाग बचना चाहिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम नेचुरल नंबर रखना शुरू करते हैं, 1 2 3, बी का मान 1 2 3, तो हम लास्ट से रखते हैं, बी का मान अगर 9 रखते हैं तो 10 × 9 90 + 8 = 98, 10 × 9 + 8 कितना होगा, 98 हमारा, यही सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करता है, इस नंबर में भाग करना है 12 से, 12 से भाग करना है 98 में, तो क्या होगा, आप 12 × 96 हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 2। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ये मैंने डिटेल से बनाया है। अब मैं इसी चीज को छोटा में बना देता हूँ कि छोटा में कैसे बनेगा, वो आप देख लीजिए छोटा में कैसे बनेगा। छोटा में कैसे बनाना है, जब इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन आ जाए, और मैं आप करवाऊंगा भी क्वेश्चन को, इस टाइप का होमवर्क में दे दूंगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है बाबू, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 2 3 1, ठीक है, 5 2 3 1, पहले आपको नंबर निकालना, जोड़ दीजिए 3 5 15 3 क्या हो गया, 18 लिखे यहाँ प्लस, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 5 8 2 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिया इंटू के, यानी 18 + 10 के, यानी के जहां मैंने मल्टीपल लिखा, गुणज लिखा, ठीक है,
तो आप ही खुद बताओ कि का मैं लू क्या रखोगे, एक से लेके नौ तक में क्या रखोगे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगा। तो के का मान यहाँ आठ रखोगे तो दठ अस्सी प्लस आठ अठारह 98 हो गया। बोलो हाँ या ना, 98 हो गया। अब 98 में हम भाग करेंगे किससे, 12 से, यानी होगा बरवट 96 तो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से ट्रिक क्या बना जो समझो, पहले नंबर निकालना है, नंबर निकालने के बाद क्या करना है, ये ऊपर जिससे भाग करेंगे उसका एलसीएम गुना के, के जहाँ क्या होगा मल्टीपल होगा, के क्या होगा मल्टीपल होगा, मल्टीपल जैसे के का मान वहाँ पे ऐसे रखना पड़ेगा एक दो तीन डॉट 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 नौ तक रख के चेक करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो देखिए दोस्तों, सक्सेसिव रिमाइंडर का मैंने कॉन्सेप्ट पूरा दे दिया और आपका इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाके डाउनलोड करिए और बनाइए और सारे बच्चे कमेंट में आंसर करिए, ठीक है। तो आप अगर कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि और मैं कुछ नया नया चीज़ पढ़ाऊँ, नया नया चीज़ पढ़ाऊँ आपको, कुछ मुझे और एनर्जी मिलता है आपको देने के लिए। और ये बच्चे अगर मैं ठीक पढ़ाता हूँ, आपको लगता है कि मैं कुछ आपका अब एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो आप वो बच्चे को बताइए जो आपको भटके हुए हैं, उन लोगों को बताइए, सारे बच्चे को बताइए। अगर आपको कुछ और डिमांड हो तो बोलना, ठीक है। जैसे मैं तो अपने तरीके से पढ़ाते रहूँगा। तो अब सोच रहे हैं आपको ये मैंने पढ़ाया, तो वीक में एक दिन आपका मैं आपको, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि एडवांस में एक दिन आपका अलजेब्रा का भी दिखा दूंगा, उसके बाद तुम लोग बोलना कि क्या करना है। एक दिन मैं अलजेब्रा का भी क्लास ले लूँगा, जो टॉपिक बोलोगे एडवांस में उसी का ले लूँगा, ठीक है। तो चलिए टेक केयर, कल मिलते हैं नए क्वेश्चन का। और कल का प्रॉब्लम चलेगा, कल का क्लास प्रॉब्लम चलेगा, जितने अगर आपको सक्सेसिव रिमाइंडर का प्रॉब्लम हो वो मुझे आप भेज सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैं तो प्रॉब्लम दूंगा ही, बनाइए और कल सॉल्यूशन करा दूंगा फिर।